हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आपके घर में कौन कौन है, आपके हस्बैंड कहाँ है। सॉरी सर, ये जब आप वीडियो बना रहे थे तो उस वीडियो में ये देखा जा रहा था कि आप ये बोल रहे थे कि काम करवा दीजिए फिर हम साथ जो बोल रहे हैं वो कर देंगे। 3 महीने बाद आवाज उठाने के पीछे क्या कारण है जी? यहाँ पे उसका ये फोटो है, देखिए फोटो नहीं भेजिएगा आप, सेक्सी फोटो भेजिए, भेजिए प्लीज, सेक्सी फोटो भेजिए, देखकर तो सबूत करेंगे। आई दुगो मैसेज जो डिलीट किया है ना सर, ये वही, ये जो डिलीट जो किया है ये वही ये चीज है सर। तो वीडियो भी भेजा था उन्होंने? हाँ हाँ जो, हाँ सर ये देखिए, ये वीडियो उसके यहाँ का है जिसमें ये हमारे साथ तस्वीर है। और कोई वीडियो भेजा था? हाँ सर, हाँ हाँ, इसके बाद वो हमारे पास देखिए ये वीडियो भेजा था, ये देखिए हम शुरू से दिखा रहे हैं, ये उसका मैसेज हो गया सर, असलील भेजा हुआ। इसके बाद ये BFA हो गया जिसको डिलीट किया है, ये उसका फोटो है और ये घटना है जिसमें हमको खींच रहा है सर, और इसके बाद ये भी BFA है सर, देख लीजिए। वीडियो भेज रहा था उसमें आप जेल भी गए हैं? आप गजब बात कर रहे हैं, आप पत्रकार होकर क्या दहेज का केस में महिला लड़की जाती है जेल में? और भी दूसरे मामले में गए हैं आप जेल, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है सर कि कैमूर जिला की जो SP हरप्रीत कौर है वो मेरे ऊपर फर्जी केस कराकर, मुझे नहीं पता था, और मुझे वो कुछ दिन के लिए कस्टडी कराई थी। भाई के साथ भी आपका विवाद है? भाई के साथ 1.5 लाख रुपया लगेगा, मैडम को घूस देना है, मैडम मुख्यमंत्री को फोन करेंगी, आपका वेतन का भुगतान होगा, इसके बाद आपको कहीं और भेजा जाएगा किसी मुख्यमंत्री, अरे सॉरी नेता विधायक के पास आप तो जाकर 1-2 घंटा मिल रहा। आप समझ सकते हैं सर कि काहे लोग हमको भेज रहे थे। बाप हमको कहा, जब मैं उस पर केस की तो मेरा बाप जो बहादुर राम कहा कि मेरी लड़की मानसिक रूप से अस्वस्थ है। मीडिया भी सवाल किया था कि आपकी लड़की हाई स्कूल की शिक्षक है और आप कह रहे हैं कि आज हमारा बर्बादी का कारण सर जान लीजिए, आज मुझे कमजोर बनाने में मेरा पिता और मेरा भाई और मेरा पति का हाथ है। मुझे नहीं पता था कि उनके यहाँ ये धंधा भी चलता है और उनके यहाँ भूखा भेड़िया दरिंदा बैठा हुआ है। एक दलित महिला जाती है, उसको काम का प्रलोभन देकर उसके साथ यौन शोषण का प्रयास किया जाता है। तो भाई जब गलत करना चाहेंगे तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे ही, और हमारे साथ लोग गलत करेगा तो हम अपने बचाव में, मान लीजिए कहते हैं कि एक औरत के सुरक्षा में, मान लीजिए पिता है या पति है, मेरा दोनों नालायक ही है, मान लीजिए मरिए गया है तो हम, आप उस दिन विरोध करते तो मामला आगे नहीं बढ़ता, कहीं ना कहीं कार्रवाई होती उनपे, उसी दिन विरोध करते तो। चलिए, एक महिला जो पेशे से टीचर है वो डिप्टी CM रेणु देवी की आवाज पर जाती है और उनके साथ जो घटना घटती है उससे पूरा बिहार वाकिफ है। वो महिला हमारे साथ है, उन्हीं की जुबानी जो है, उनकी कहानी सुनेंगे कि आखिरकार उनकी कहानी जो है वो क्या है, क्या उनके साथ घटना घटती है। महिला हमारे साथ है, देखिए क्या नाम है पहले आप ये बताइए। मेरा नाम कुमारी रंजन लता है। रंजन लता जी, कब का वीडियो है ये, कब की घटना है सर? ये 22 सितंबर का 21 का घटना है, जब मैं सब जगह से थक गई, क्योंकि हमारा स्कूल का हेडमास्टर जो है आशुतोष कुमार राय, मेरे साथ वो यौन शोषण करने का प्रयास किया, जब वो विफल मेरे सर, मेरा तो हजारों बार मीडिया और चैनल में चल चुका है, सारा बिहार जानता है कि हेडमास्टर, खुद हाई कोर्ट भी और डायरेक्टर भी हेडमास्टर को दोषी माना है कि महिला को जानबूझ के ये हेडमास्टर और DO कैमूर जिला का प्रताड़ित कर रहा है। मैं सब जगह से जब थक गई सर, शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव से लेकर, डायरेक्टर से लेकर सर, महिला आयोग, SC आयोग, हर जगह से थक गई, तो मुझे ये लगा कि एक महिला है डिप्टी CM, एक बार उनके पास जाकर हो सकता है मुझे न्याय, इस उम्मीद के साथ मैं गई। मुझे नहीं पता था कि उनके यहाँ ये धंधा भी चलता है और उनके यहाँ भूखा भेड़िया दरिंदा बैठा हुआ है। एक दलित महिला जाती है, उसको काम का प्रलोभन देकर उसके साथ यौन शोषण का प्रयास किया जाता है। क्या हुआ था जब आप गए डिप्टी CM के आवास पर, तो पहले गार्ड ने रोका आपको? रोका नहीं सर, पहले तो मैंने गए दरवाजे पर तो पुलिस लोग था, तो वो बोला कि आप जाइए, वो PA आएंगे, वहीं आपको मिलाएंगे मैडम से। तो फिर वो अंदर से आया तो बोला कि मैटर, हमारा आवेदन लिया सर, और आवेदन के नीचे देखिए मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, और गया तो मेरा, हमको बैठाया, इसके बाद सारा आवेदन पढ़ा, विषय वस्तु, तो बोला कि 1.5 लाख रुपया लगेगा, मैडम को घूस देना है, मैडम मुख्यमंत्री को फोन करेंगी, आपका वेतन का भुगतान होगा, इसके बाद आपको कहीं और भेजा जाएगा किसी मुख्यमंत्री, अरे सॉरी नेता विधायक के पास आप तो जाकर 1-2 घंटा मिल रहा। आप समझ सकते हैं सर कि काहे लोग हमको भेज रहे थे, माने एक प्री प्लानिंग है, उनके यहाँ ये चीज होता है, ये ऐसा नहीं है कि उसका पहली बार मन बढ़ा है कि कोई महिला जाएगी, हर जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है। और ये सब पहले दिन की मुलाकात में हुआ? हाँ, पहले दिन ही गए, पहले ही दिन शायद, उसके पहले हम शायद एक दिन बार गए थे भेटने, लेकिन ये 22 तारीख का ही घटना है सर। आवेदन पर जो नंबर लिखा हुआ था वहाँ से नंबर उन्होंने लिया गार्ड ने, और आपको मैसेज किया उन्होंने
सर पहले तो वो हमको गेस्ट रूम में बैठाया, बैठा के हमको बात किया काम का कि मैंने पैसा दीजिए जो भी। इसके बाद सर अब शरीर हरकत करने लगा छेड़छाड़। इसके बाद जब उठकर कुर्सी से हम बाहर जाने लगे तो कुंडी बंद कर दिया सर। और जब कुंडी खोले तो हम बरांडा में गए तो वहाँ देखिए सर हमारे वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से हमको खींच रहा है और कह रहा है कि सब हमारे ही हाथ में, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। वो वीडियो आपने बनाया खुद? सर हमको जब ये लगा जोर जबरदस्ती करने तो हमको लगा कि जब हम किसी से कहेंगे तो कोई हमारे बात पे विश्वास नहीं करेगा, तो वो भी जोर जबरदस्ती में ही हम हल्का सा एक वीडियो बनाए हैं सर। वो भी 10 मिनट का वीडियो फिर भी है सर, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से हमको खींच रहा है और हम उसका विरोध कर रहे हैं। और आप लोग कह रहे हैं सर कि हम कह रहे हैं कि पहले काम हो जाए, तो मैं ये कहना चाहूंगी सर कि अगर मैं इस जगह पे आई, अगर मेरे साथ कहीं रेप की भी घटना हो सकती थी, तो इसके लिए हमारा कैमूर जिला का DO और हमारा हेडमास्टर जिम्मेदार है। क्योंकि अगर मेरा वेतन ना ही बाधित होता, ना मैं यहाँ आती और ना मेरे साथ इस तरह का घटना घटता। क्या नाम है गार्ड का? गार्ड का नाम संजय कुमार सिंह है सर। की बातचीत होती है, गंदा मैसेज भेजता है, वो था मैसेज दिखाइए हमको जो कब कब की ये घटना है, कब वो मैसेज आपको करने लगा, ये एक दिखाइए, दिखाए ये देखिए सर, ये खुद वो हाँ, ये संजय डिप्टी CM का ये DP है, वो DP अभी गायब कर दिया, हटा दिया अपना फोटो सर। देखिए कितना चतुर है, ये देखिए ये सब लिखा है। जी यहाँ पे उसका ये फोटो है, देखिए फोटो नहीं भेजिएगा आप, सेक्सी फोटो भेजिए, भेजिए प्लीज सेक्सी फोटो भेजिए, देख कर तो सबूत करेंगे। आई दुगो मैसेज जो डिलीट किया है ना सर, ये वही, ये जो डिलीट जो किया है ये वही ये चीज है सर। तो वीडियो भी भेजा था उन्होंने? हाँ हाँ जो हाँ सर, ये देखिए ये वीडियो उसके यहाँ का है जिसमें ये हमारे साथ तस्वीर है। और कोई वीडियो भेजा था? हाँ सर, हाँ हाँ, इसके बाद वो हमारे पास देखिए ये वीडियो भेजा था, ये देखिए हम शुरू से दिखा रहे हैं, ये उसका मैसेज हो गया सर, असलील भेजा हुआ। इसके बाद ये BFA हो गया जिसको डिलीट किया है, ये उसका फोटो है और ये घटना है जिसमें हमको खींच रहा है सर। और इसके बाद ये भी BF है सर, देख लीजिए, वीडियो भेज रहा था आपको, भेज रहा है सर खुद। मेरे पास इतना बड़ा सबूत क्या होगा, जब हम सर हमको मिलाने ले गया और जब सॉरी और जब हम रेणु देवी से अंदर जाके मिले सर, तो कह रही कि ना मेरे यहाँ का घटना है, ना मेरा गार्ड है, ना तुम्हारे मोबाइल पे भेजा है। मैंने ये सोचिए सर कि शर्म नहीं आ रहा है मुझे कहते हुए सर, जरा सा भी हिचक नहीं है, उसको शर्म नहीं आ रहा है कि जो महिला उसको इतना सबूत दिखा रही है, इतनी झूठी महिला है कि वो कह रही कि हमारे यहाँ का गार्ड ना घटना है ना कुछ भी नहीं है, जबकि तुरंत वीडियो देखने से पता चल जाएगा कि DPCM के आवाज़ रेणु देवी बोल रही है, रेणु देवी बोल रही है कि वो गार्ड हमारा है ही नहीं, ना हमारे यहाँ उस दिन घटना के दिन थे ही नहीं, अब बताइए सर, जबकि खुद मैं मिली हूँ सर उस दिन। अब हम तो चाहते हैं कि इस पे जांच बैठे, दूध का दूध पानी हो जाए, हमारा दे ये बिहार का 15 करोड़ हमारा जनता भी जाने कि हमारा DPCM कितनी झूठ बोलती है। और अभी हमारे ऊपर कई तरह का धमकी आ रहा है कि उनका भाई जो है हिस्ट्री शूटर है तो क्रिमिनल है, आपको हत्या करवा देगा, मैडम आप अपना नौकरी बचाइए, तो इस तरह का सर धमकी का हमारे पास कई अननोन कॉल आया, हमारा हेडमास्टर हमको धमकी दिलवा रहा है सर। पीनू डॉन उनका भाई है, वो उनके द्वारा मरवा दिया जाएगा। हाँ इस तरह का धमकी आ रहा है, खुद हमारा हेडमास्टर भी हमको धमकी दे रहा है क्योंकि हेडमास्टर का भी मैटर चल रहा है सर। तो वो अभी तक हमारे का नाम क्या है? हेडमास्टर का नाम आशुतोष कुमार राय है। कहाँ के रहने वाले हैं? वो हमारे स्कूल के बगल का ही रहने वाला है। कहाँ है आपका? उत्क्रमित उच्च विद्यालय कटरा कला मोहनिया प्रखंड में पड़ता है, जिला कैमूर है। और अभी देखिए सर ये हमारे पास एक बर्न हॉस ये हमारे पास ये भी है, एक देखिए इंजुरी है जिसमें हेडमास्टर जब यहाँ महिला थाना में बहुत पहले में एक बार FIR कराए थे जिसमें SC ST एक लागू हुआ है, IT Act इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उस पर अरेस्टिंग भी नहीं हो रहा है। और हेडमास्टर हमारे घर पे रूम पे जाकर और खलता हुआ तेल फेंक दिया था जिसमें पूरा मेरा हाथ जल गया है सर। ये भी फोटो हम सब जगह आप लोग को दिए हुए हैं सर। इसकी शिकायत लेकर आप थाने गए? जी सर। ये कौन से थाना गया? थाना का क्या आवेदन है सर? ये हम महिला थाना गए हुए हैं, ये देख लिए गर्दनी विभाग महिला थाना आप गए दिन का ये आवेदन हम दिए थे सर। देखिए क्या बोला गया मैम वहाँ पे? सर हम गए तो बोला कि ठीक है आवेदन लीजिए, अभी किशोरी सहचारी थाना अध्यक्ष है वो हमको जानती हैं सर, एक बार CID जांच में भी वो हमको जानती हैं, बेचारी बहुत मेरा हेल्प की थी। तो मैडम नहीं है आप जाइए, जो होगा सो बाद में फिर आइएगा। इसके बाद सर उस दिन के बाद तो मैं सर आज आई हूँ। FIR दर्ज नहीं हुआ आपका? नहीं सर, अभी तक FIR कैसे दर्ज होगा सर? DPCM का मामला है ना, तो इसे FIR कैसे दर्ज होगा? मैं एक दलित महिला हूँ सर मेरा, और उल्टे एक तो घटना किया गया, और देखिए
शर्म नहीं लग रहा है कि बोल रहे कि हमारे यहाँ का घटना नहीं है। मैं उस दिन जबकि मैं मिली हूँ सर, आप लोग जांच इस पे बैठाया जाए सर। मैं चाहती हूँ कि FIR हो, उसको अरेस्टिंग हो, उसको जेल भेजा जाए। अच्छा, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आपके घर में कौन कौन है, आपके हस्बैंड कहाँ है। सॉरी सर, ये तो अभी हमारे हस्बैंड से एक्चुअली मेरी माँ बचपन में डेथ कर गई थी, तो मेरी सौतेली माँ ही शादी ब्याह करा दी थी और मैं 15 साल से अपने हस्बैंड से अलग रहती हूँ सर। 498 के केस चलता है और मेरा फैमिली में सर और कोई नहीं है, मैं अलोन रहती हूँ। नो सर, कोई नहीं है। पर्सनल लाइफ नो कमेंट, सॉरी। पर्सनल लाइफ पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते आप? नो सर, नो सर। एक सवाल ये बनता है मैम कि जब आप वीडियो बना रहे थे तो उस वीडियो में ये देखा जा रहा था कि आप ये बोल रहे थे कि काम करवा दीजिए फिर हम साथ जो बोल रहे हैं वो कर देंगे, तो आपने आप हमने ये ना नहीं बात बोला। हम ये बोले हैं कि पहले आप मेरी आवाज, भले आप उस चीज को रिपीट कर रहे हैं लेकिन उस आवाज के पीछे क्या दर्द छिपा हुआ है, आप उस चीज को नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि एक महिला किस तरह से विवश है कि हमारा काम किसी तरह हो। हमको भी सोचिए कि विभाग के करतूत से एक महिला कितनी त्रस्त हो चुकी है कि वो चाहती है कि काम मेरा किसी तरह से हो। तो आपने उनको अगर मैं उसका प्रभाव करती तो मैं आज इतना उसके खिलाफ आवाज क्यों उठाती अगर मैं गलत रहती? 3 महीने बाद आवाज उठाने के पीछे क्या कारण है सर? इसके पहले हमको धमकी दिया जा रहा था सर कि आपका हत्या करा दिया जाएगा, ये वो करा दिया जाएगा। तो हम सोचे सर कि अगर मेरे साथ इस तरह का घटना घटी जाए तो क्यों ना हम पहले दुनिया के सामने इस मैटर को लाए कि देखे हमारा ये बिहार जाने की किस तरह से एक दलित महिला का वेतन रोका गया है सर। हाई कोर्ट का डायरेक्टर का ऑर्डर मेरे पास है, ये 5 किलो का हम कागज लेके घूम रहे हैं सर न्याय के लिए। अगर हम गलत है तो विभाग हमको क्यों नहीं सस्पेंड डिसमिस करता है? तो हम ये बिहार के सामने आने का उद्देश्य है कि हमारा बिहार के लोग जाने की एक दलित महिला के साथ कितना शोषण हो रहा है और एक विधायक मंत्री के यहाँ न्याय मांगने एक महिला जाती है तो उसके साथ रेप का कोशिश किया जाता है और खुद और उसके बाद इस घटना को छिपाने के लिए डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री हमारे झूठ बोलते हैं कि हमारे यहाँ का घटना नहीं है। आपको लग रहा था कि आप उस दिन विरोध करते तो मामला आगे नहीं बढ़ता, कहीं ना कहीं कार्रवाई होती उनपे, उसी दिन विरोध करते तो? सर उस दिन मैं विरोध की हूँ, एक वहाँ का गार्ड भी है, इस चीज को बोला है कि मैडम इस तरह का घटना है। मैं उसी दिन तो ये आवेदन दी हूँ सर और मैं वहाँ पे हंगामा भी मचाई हूँ सर। खुद उनका गार्ड भी बोला है कि हाँ इस तरह का 3 गो लड़कियों के साथ ही घटना कर चुका है। तो ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही पहली घटना है, ये उनके यहाँ एक रैकेट चलता है, एक धंधा चलता है उनके यहाँ, पैसा लेकर महिलाओं को काम का प्रलोभन देकर उनके साथ घृणित कार्य किया जाता है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि महिलाओं को हम सुरक्षा दे रहे हैं। सर मैं नीतीश कुमार की मैं क्या बात करूं, मुझे कहते हुए शर्म आ रहा है कि हमारे नीतीश कुमार है जो उनके राज्य की एक दलित PhD MSc अवार्डेड महिला के 4 साल से वेतन बंद है और उनके यहाँ मैं 200 बार गई हूँ सर, मेल से लेकर चिट्ठी से लेकर जनता दरबार तक गई हूँ सर, मेरा वेतन का भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं कहूँगी कि नीतीश सरकार अंधी गूंगी और बहरी सरकार है, मुझे इससे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। आप पर एक सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आपका सास ससुर से भी विवाद चल रहा है। बात है तो खुद मेरे पिताजी, हमारा हस्बैंड जो है टॉर्चर हमको किया था, तो हमारे खुद पिताजी बक्सर में 498 का केस कराए हैं, दहेज उत्पीड़न का केस कराए हैं, हमारे पिताजी खुद कराए हैं, वो भी मैं फाइल में कागज लेकर आई हूँ। खुद हमारे पिताजी ससुराल जाकर हमको लेकर आए, 498 का केस बक्सर में कराए हुए जो आज 15 साल से चल रहा है। उसमें आप जेल भी गए हैं? आप गजब बात कर रहे हैं, आप पत्रकार होकर क्या दहेज का केस में महिला लड़की जाती है जेल में? और भी दूसरे मामले में गए हैं आप जेल, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है सर कि कैमूर जिला की जो SP हरप्रीत कौर है वो मेरे ऊपर फर्जी केस कराकर, मुझे नहीं पता था, और मुझे वो कुछ दिन के लिए कस्टडी कराई थी और आज उसी केस में मेरी रिहाई हुई है सर। आप वो कागज देखिए, और आज आप पत्रकार हैं तो सवाल उठा रहे हैं ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आज मैं कैमूर जिला के SP से केस लड़ने के 4 साल बाद आज मेरी रिहाई हुई है, और आज रिहाई के बाद हम जो शारीरिक आर्थिक मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं ह्यूमन राइट जिसको कहते हैं कि मानवाधिकार, मानव के अधिकार जिसको कहते हैं, वो मुझसे छीना गया। मैं शारीरिक आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हुई, और वहाँ मैं जब केस की मानवाधिकार आयोग में मेरी सुनवाई हुई तो वहाँ का अध्यक्ष कोई था, कह रहा है कि अभी BMP 5 में है, कैमूर जिला की SP हरप्रीत कौर अभी BMP 5 में है, सुनवाई में एक बार आई भी थी, तो वह SP है ना, BMP 5 की कमानेंट है। हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। नहीं सवाल मेरा सुनिए, उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई होगी? मैं मानहानि का दावा की हूँ, जब मैं मानवाधिकार आई तो क्यों नहीं SP, उसी केस में मैं निर्दोष हुई हूँ
तो एसपी के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई किया जाएगा, आप हमको बताइए। हम समझ रहे हैं मैम, एसपी है तो अपने पावर का गलत दुरुपयोग करके किसी निर्दोष महिला को झूठा केस में फंसा कर कस्टडी कराएगी। लेकिन सवाल ये है मैम कि आप इतने वाद विवाद में क्यों रहते हैं, क्या क्या वजह है? नहीं, हम वाद विवाद में नहीं रहते हैं, हमको लोग अकेले और दलित समझ कर मेरे साथ गलत करना चाहता है। तो भाई जब गलत करना चाहेंगे तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे ही, और हमारे साथ लोग गलत करेगा तो हम अपने बचाव में, मान लीजिए कहते हैं कि एक औरत के सुरक्षा में, मान लीजिए पिता है या पति है, मेरा दोनों नालायक ही है, मान लीजिए मरिए गया है, तो हम तो प्रशासन के पास जाएंगे। प्रशासन के पास जाएंगे तो कहेगा कि पहले FIR करिए, तो हम लोग एक्शन लेते हैं। आप भी इस चीज को जानते हैं, अकेली महिला होने के नाते जो है ये समाज जो है आपको फायदा उठाना चाहता है। सही बात है, एक दलित महिला को, कितना अकेली महिला को समाज में रहना, संघर्ष करना मुश्किल है, एक महिला जानती है। सवाल करना बहुत आसान है और झेलना, ये पूछिए इनसे, 307 का केस मेरे ऊपर किया गया है, 379 नॉन अवेलेबल का केस, और यही कैमूर जिला की SP जानते हैं, CGM को फोन करती है कि उसको बेल नहीं देना है, जिला जज को फोन करती है कि बेल नहीं देना है, और हाई कोर्ट से हमको बेल मिला है। भाई के साथ भी आपका विवाद है? भाई के साथ, भाई हमारा एक्चुअली, हम पिताजी का सर प्रॉपर्टी का केस किए थे मधुबन में, मैं FIR की हूँ, मैं अपने भाई के ऊपर FIR की हूँ, वो हमारे साथ मारपीट किया है, और बाप के ऊपर भी मैं केस की हूँ, अभी मैं लाई हूँ रिपोर्ट, आप देख लीजिए। मतलब पूरे परिवार से आपका मामला? एक मिनट, मैं हाई स्कूल की टीचर हूँ, मैंने MSc किया है, मैं 5 विषय से MA की हूँ, मैं BEd की हूँ, कैमूर जिला का विज्ञान शिक्षक अवार्ड मिला हुआ है, मेरा सारा फर्स्ट डिवीजन है, मैं मगध यूनिवर्सिटी के छात्र, आपको लगता है कि मैं मानसिक रूप से पागल हूँ? सवाल तो मैं उठा ही नहीं रहा हूँ मैम। एक मिनट, मेरा बाप हमको कहा, जब मैं उस पर केस की, तो मेरा बाप जो बहादुर राम कहा कि मेरी लड़की मानसिक रूप से अस्वस्थ है। मीडिया भी सवाल किया था कि आपकी लड़की हाई स्कूल की शिक्षक है, और आप कह रहे हैं कि आज हमारा बर्बादी का कारण, सर जान लीजिए, आज मुझे कमजोर बनाने में मेरा पिता और मेरा भाई और मेरा पति का हाथ है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा आज मुझे कमजोर बनाने में लोग आज क्यों फायदा उठा रहा है, जान रहा है कि ये लड़की फैमिली बैकग्राउंड से कमजोर है, तो कमजोर मुझे बनाया गया है, मैं हूँ नहीं हूँ, मुझसे जो टकराएगा उसका जवाब मैं दूंगी, इस चीज जान लीजिए। और केस का बात है, मेरे ऊपर केस, मेरे साथ कोई गलत करेगा तो हम केस नहीं करेंगे, करेंगे केस करेंगे। अकेली महिला का जो है वो पूरा समाज फायदा उठाना चाह रहा है, और यही कारण है कि ये लगातार वाद विवादों में रहती हैं, लगातार इनके ऊपर कई FIR है, ये भी कई अपने सास ससुर के ऊपर, भाई के ऊपर जो है FIR कर चुकी है, तमाम विवादों में जो है ये महिला रही है। लेकिन इस सब के बावजूद जो कहानी इन महिला के साथ घटी है, जो घटना इन महिला के साथ घटी है, उसकी हर तरफ निंदा हो रही है कि आखिरकार कैसे एक डिप्टी CM का बॉडीगार्ड जो है वो इस तरह की हरकतें कर सकता है। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।